आज अपन इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 16 देखेंगे, जो कि मैंने पहले आपको 1 से 15 तक सवाल करवा दिए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। प्रश्नावली 7 क्लास 10th 7.1 का सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 बोल रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा के बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपने को लेके आना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, दिखने आपको थोड़ा सा ज्यादा टप लग रहा होगा। यदि इस सवाल को करते हैं तो सबसे पहले जो सिद्ध करने वाले सवाल रहते हैं कि इसके बराबर ये अपने को ये सिद्ध करना है। तो इसमें अपन LSS लेने पर LSS लेते हैं। LSS क्या दे रखा है इसका, साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा के बराबर अपने को लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब, 2 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो इस दोनों अपनों ने घात को क्या कहा, बांट दिया, एक घातांक नियम से बटा है, अलग अलग किया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको पता होगा एक सूत्र है अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो इसे इस टाइप से इसको पूरा बंद कर दीजिएगा तो सही दिखेगा इस सवाल। अब देखो ए क्यूब बी क्यूब, तो साइन स्क्वायर क्यूब है, साइन कोस स्क्वायर क्यूब, मतलब ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है और बी की वैल्यू जो कितनी है आपके पास कोस है। बोले आप चाहो तो यह लिख सकते हो कि ए के बराबर साइन स्क्वायर थीटा और बी के बराबर जो है कितना है कोस स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब के बराबर लिखेंगे यहां पे ए, ए का भी कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ए का भी स्क्वायर है, मतलब कि साइन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अपन इसको इस सूत्र से अपनों ने इसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब आगे इस सवाल के, अब आगे यदि इसको करते हैं अपन सोल्व, तो अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता था 1 इंटू, फिर ऐसा कैसा ही साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब जो बच रहा है इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अपने को ये टर्म ये स्टेप याद रखनी पड़ेगी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, को एक बार जोड़ने एवं घटाने पर, एक बार जोड़ेंगे एक बार इसको क्या करेंगे अपन घटाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस को स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
माइनस, एक बार जोड़ते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा कोई स्क्वायर थीटा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोई स्क्वायर थीटा। जोड़ने का मतलब प्लस और घटाने का मतलब क्या होगा, माइनस। और ये जो बच रहा है माइनस का, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक किसी भी चीज को एक बार जोड़ने या घटाने पर कोई आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए अपनों ने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब इसको देखिएगा आप, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसके बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के बराबर अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई ए की वैल्यू जो यहाँ है साइन स्क्वायर में है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा का भी फिर क्या होगा होल स्क्वायर। माइनस के दो साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा है, और एक बार है साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, दो और एक तीन, तो साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर कितना लिखेंगे, एक। तो एक का क्या होगा स्क्वायर, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और को स्क्वायर थीटा के बराबर एक का एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और को स्क्वायर थीटा। यही अपने को सिद्ध करना था, तो ये आपके आरएसएस आ गया है। देखो सवाल भी क्या कह रहा था, एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको। सवाल बोल रहा था कि साइन की पावर सिक्स है और कोस की पावर भी सिक्स है, दोनों प्लस में है, बराबर वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा है। तो इसको अपने को सिद्ध करना था कि साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा के बराबर वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो एलएसएस लेने पर, एलएसएस लिए अपनों ने, तो एलएसएस क्या कह रहा है, साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा के बराबर। तो ये जो सिक्स की पावर, इसमें अपने एक बार बता देता हूं मैं आपको, यहां पे घात वाला नियम लगा, ए की घात पी, उसकी भी घात फिर क्यू है, तो ए की पावर लिख सकते हैं पी, ए की पावर पी इंटू क्यू, मतलब कि इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दो और तीन का गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, छह ही आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको। यदि लिखा अपनों ने तो साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लिया और कोस स्क्वायर थीटा को बी मान लिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से अपनों ने इसको क्या कर दिया, पूरे को खोल दिया। खोलने के बाद फिर अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है, एक। और फिर ऐसा कैसा पीछे वाला जो बच रहा था वैसा कैसा लिख दिया मैंने। अब इसमें ये स्टेप आने के बाद अपने को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ने पर एक बार कैसे ऐसा क्यों किया गया। तो मेरे भाई, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ना, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये सूत्र बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि ये अपने पास नहीं था। एक बार तो आ रहा है अपने पास, नहीं चाहिए कितनी बार, तीन बार चाहिए अपने को। देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार माइनस में है अपने पास, अब कितनी बार चाहिए, तीन बार। और यहाँ पे भी अपने को टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए था, और एक बार माइनस में भी चाहिए था, एक बार जोड़ लिया एक बार घटा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सूत्र भी बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और फिर अपने को अभी जब ऊपर भी रखा था अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर एक, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही आएगा। और यहाँ पे माइनस के दो साइन थीटा, सॉरी दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा था, और एक बार था माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना, तीन बार आ जाएगा। और यही आपका क्या था, आरएसएस था। इसको थोड़ा सा एक बार, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है परीक्षा के अंदर आपके। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, प्रश्नवाली 7.1 का सवाल नंबर 17। इस सवाल को दो टाइप से कर सकते हैं अपन, साइन को टेन को या तो आप साइन और कोस में चेंज कर दीजिए, लेकिन अपने पास जो एलएसएस दे रखा है उसमें आरएसएस में भी क्या है, अपने पास टेन और कोट के अंदर ही है, इसलिए अपने इसको टेन
टेन को साइन कोस या कोट को साइन कोस के अंदर चेंज नहीं करेंगे, इसको पूरा ऐसा केस टेन या कोट की फॉर्म में ही इस सवाल को सोल्व करेंगे। एलएसएस लेने पर तो एलएसएस क्या बोल रहा है आपके, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा वन माइनस टेन थीटा। ये ध्यान रखें प्लस लगाने में ऊपर नीचे नहीं लगाए, जो आपकी जो लाइन बटे वाली जो लाइन है इसी के साथ सीध में लगाए जिससे दिखने में सही लगे। बराबर टेन का टेन ही रहने देते, वन माइनस कोट को चेंज कर लेते टेन के अंदर, तो आपको पता है कोट को लिख सकते हैं अपन वन अपॉन टेन प्लस कोट को लिखेंगे वन अपॉन टेन थीटा और वन माइनस क्या है टेन थीटा। मैंने लिखा यहां पे कोट थीटा के बराबर वन अपॉन टेन थीटा, जो कि आप भी लिख सकते हो। ये त्रिकोणमिति अनुपातों का जो संबंध है ये आपस में आपको याद होना चाहिए, यदि याद नहीं है तो इन सवालों को करने में दिक्कत आएगी। बराबर मैं इस बराबर से थोड़ा इधर ले रहा हूं कि अपने इधर जो सूत्र आएंगे उनको लिख पाए। देखते हैं अंश में जो है टेन है, टेन का टेन, हर में जो दे रखा वन माइनस वन अपॉन टेन है, तो इसमें क्या करेंगे टेन का लघुतम लेंगे, तो एक के अपॉन में एक ही है तो एक का भाग टेन में देंगे टेन ही आएगा, टेन का मल्टीप्लाई फिर एक से करेंगे तो क्या आएगा टेन थीटा माइनस, ये माइनस ऐसा कैसा माइनस, टेन का भाग टेन के अंदर देंगे तो एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई फिर सॉरी एक हाँ सॉरी टेन का भाग टेन में देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा फिर एक से करेंगे तो एक ही आएगा। अब ये जो बराबर है सॉरी ये प्लस का चिन्ह यहां पे लगेगा, यहां पे नहीं लगाना है, ऐसा नहीं गलत लगा दो आप, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा। आपको पता है कि यदि भिन्न संख्या के अंदर हर में भी वापस भिन्न संख्या है तो क्या करना पड़ेगा उल्टा, तो टेन थीटा ऐसा कैसे और ये वाला टेन थीटा कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा टेन टेन थीटा इंटू टेन थीटा और टेन थीटा माइनस का वन प्लस ये ऐसा कैसे रहेगा वन अपॉन टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा। टेन का मल्टीप्लाई टेन से करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा बटाओ में, फिर टेन थीटा माइनस वन आएगा बटे में माइनस। अब यहां पे क्या करेंगे देखो टेन माइनस वन दे रखा है, यहां पे वन माइनस टेन थीटा, तो इसको अपन कॉमन ही निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे यहां पे इसको आगे सोल्व करने के लिए, यहां पे जो दे रखा वन माइनस टेन थीटा तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और ये टेन थीटा ऐसा कैसे ही? और ब्रैकेट के अंदर टेन आगे आ जाएगा और एक कहां चला जाएगा पीछे, ये तो पता होगा आपको कि यहां से मैंने क्या माइनस कॉमन निकाला तो जो चीज प्लस की थी वो माइनस हो गई, जो माइनस की थी वो क्या हो गई प्लस की हो गई। तो देखो यहां पे क्या था प्लस, तो यहां से माइनस कॉमन निकाला तो प्लस इंटू माइनस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, इसलिए यहां पे क्या लगा दिया मैंने माइनस लगा दिया। अब ये काय का था प्लस का था तो इस सॉरी ये काय का था माइनस का था, तो माइनस कॉमन निकाला फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, इसलिए टेन थीटा काय का होगा प्लस का और एक प्लस का था तो काय का हो गया माइनस का। आगे देखते हैं तो टेन माइनस वन को अपन क्या करेंगे कॉमन निकाल देते हैं, टेन थीटा माइनस वन को मैंने क्या कर लिया कॉमन निकाल दिया, यहां पे बचा टेन थीटा सॉरी वन अपॉन टेन थीटा माइनस का वन, यहां बचेगा केवल टेन स्क्वायर थीटा अपॉन
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इसमें क्या करेंगे, वन और टेन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। एक का भाग टेन थीटा के अंदर लेंगे तो कितना आएगा, टेन थीटा का मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा से करना है तो टेन स्क्वायर थीटा है ना, एक और टेन थीटा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस का क्या होगा माइनस, और टेन थीटा का टेन थीटा में भाग देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा फिर एक से करना है तो एक। अब अपने पास यहां पर एक सूत्र लगेगा, उस सूत्र से अपन इसको सोल्व करेंगे। सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब पहले लगाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसके अंदर जो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना रहेगा अपने को। यहां पे क्या आएगा, यहां पे भी प्लस ही आएगा। तो वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन देखो, अब टेन सॉरी ए माइनस बी मतलब ए की जगह टेन है, बी की जगह कितना है ए है, तो यहां पे लिखेंगे टेन थीटा माइनस का वन, फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस ए की वैल्यू कितनी टेन और बी की वैल्यू कितनी एक, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टेन ही आएगा, तो टेन थीटा। अब जो है इसमें अपन लिखेंगे टेन थीटा माइनस का वन और टेन थीटा, टेन माइनस वन और टेन का क्या कर दिया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कर दिया, फिर यहां पे लिखेंगे ऊपर वाला सेम ऐसा कैसे आएगा, एक का मल्टीप्लाई इस फुल टर्म से करेंगे सेम टू सेम आएगी, तो टेन माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा। अब जो है टेन माइनस वन, टेन माइनस वन कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का एक प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। सभी पक अलग अलग भाग दे देंगे, टेन स्क्वायर थीटा के अंदर फिर टेन का भाग दे दिया, एक के अंदर फिर टेन का भाग दे दिया, और टेन के में भी क्या कर देगा टेन का भाग देंगे, इस टेन का तीनों में अलग अलग भाग देने पर, तो टेन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं कोट थीटा, तो वन अपॉन लिखेंगे या पे सॉरी टेन थीटा कैसा कैसा है प्लस वन अपॉन टेन को क्या लिखोगे आप कोट थीटा लिखोगे, प्लस टेन से टेन कट गया तो क्या आएगा एक आएगा, और अपने सवाल के अंदर भी क्या कह रहा था देख लीजिएगा, सवाल में जो है यहां पे भी क्या है प्लस है माइनस नहीं है, तो सवाल में कुछ गलती होती पता चल जाता, अपने पास क्या आया यहां पे प्लस आया
और जो सवाल था अपने पास क्या था, सवाल 1 माइनस 10 थीटा प्लस cot थीटा लाना था अपने को, तो यहाँ पे मैंने गलती से क्या लिख दिया था, माइनस लिख दिया था, तो माइनस ना होते कि क्या है, प्लस ही है। तो सवाल सोल्व करते तो भी पता चल जाता किस जगह कौन सी मिस्टेक हो रही है। तो देख लीजिएगा क्या कह रहा था सवाल में, आरएसएस, ये अपना आरएसएस आ गया, क्या था 1 प्लस 10 थीटा प्लस cot थीटा। यदि चाहो तो इसके बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 को आगे लिख सकते हैं और 10 को उसके बाद और प्लस cot थीटा। ये तो पता होगा कि योग वाली सक्रिया में पदों का आगे परिवर्तन करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता आंसर में, इसलिए आप चाहो तो 1 को आगे लिख दो फिर 10 फिर cot, जो आपके सिद्ध करना था उसी टाइप से आरएसएस के अंदर लिख सकते हो, और यही अपने को क्या करना था इसमें सिद्ध करना था। तो थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा सवाल, तो इसको यदि एक या दो बार देख लेना और इसको एक या दो बार कंटिन्यू करोगे आप, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा कि a³ - b³ के बराबर a - b, ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा a² + b² + ab। ये वाला सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ टर्म जब याद रखनी पड़ती है अपने को कि किसको इसको कैसे सोल्व करना पड़ता है। आसान सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा है, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10 थीटा प्लस cos 1 प्लस cot थीटा के बराबर लाना है अपने को cosec थीटा प्लस sec थीटा। देखते हैं इस सवाल को भी, LSS लेने पर इसका LSS क्या कह रहा है, साइन थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस cos थीटा, यहां पे थीटा लिखना भूल गया, cos थीटा 1 प्लस cot थीटा। अब इसमें जो है अपने पास cos और sec है, इसका मतलब अपने को tan को किस पद में चेंज करना पड़ेगा, sin और cos में। तो sin को ऐसा कैसे लिख देते हैं, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा ऐसा कैसे 1 प्लस cot को लिखेंगे अपन cos थीटा अपॉन sin थीटा। यदि चाहो तो इधर भी लिख सकते हो कि tan थीटा के बराबर जो होता है कितना होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा के जो बराबर होता है कितना होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा ऐसा कैसे, साइन थीटा यहां पे क्या करोगे, cos का लघुतम ले लेंगे, तो cos को लघुतम लिया तो 1 के अपॉन में कितना 1 ही होगा, तो 1 का भाग किसमें देंगे, cos थीटा के अंदर देंगे, तो cos थीटा के अंदर cos थीटा ही आएगा, cos थीटा का मल्टीप्लाई फिर किससे करोगे, cos थीटा से करोगे, तो cos थीटा प्लस cos का भाग किसमें दोगे, cos में दोगे, cos का भाग किसमें देना है, cos में दोगे, तो 1 आएगा, 1 का गुणा फिर sin से किया तो कितना आ रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा ऐसा कैसे, फिर यहां पे क्या करोगे, साइन थीटा को क्या करोगे, लघुत्तम में ले लिया, एलसीएम ले लिया, मतलब कि 1 के बटे में कितना 1 ही है, 1 का भाग किसमें देंगे, साइन के अंदर देंगे, तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई फिर किससे करोगे, 1 से, तो साइन थीटा प्लस साइन का भाग किसमें देना है, साइन में, तो 1 आएगा, 1 का गुणा किससे करना है फिर अपने को, कोस से करना है, तो कोस थीटा।
अब देखिएगा, इन दोनों पदों के अंदर जो है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा मतलब बराबर में है, तो अपन इसको क्या करोगे, लघुतम में ले लोगे। sin थीटा प्लस मतलब बराबर में का मतलब बराबर है, cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा एक ही बात है, तो मैंने यहां लिख दिया sin थीटा प्लस cos थीटा। अब मैंने यहां से cos थीटा प्लस sin थीटा को बाहर निकाल दिया, यहां पे क्या बचा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस यहां पे बचेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा फिर ऐसा कैसे, यहां पे cos और sin का क्या लेंगे, लघुतम लेंगे, तो sin थीटा और क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा। बटे में जो दे रखा है यदि अचर पद है तो उनको दोनों का गुणा कर दीजिएगा, दोनों गुणा कर दिया sin थीटा और cos थीटा, तो cos का भाग देंगे cos में, सॉरी cos का भाग देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा में, तो cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा, sin थीटा का मल्टीप्लाई फिर किससे होगा, sin थीटा से, तो sin थीटा इंटू sin थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस इसी टाइप से क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है मेरे भाई, एक, तो यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा और cos थीटा, बचा क्या आपके पास, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन बचा है sin थीटा cos थीटा, तो इसको दोनों अलग अलग भाग देने पर, तो sin थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा के अंदर भाग दोगे तो क्या आएगा, sin थीटा और cos थीटा, तो sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, बचा क्या, वन अपॉन cos थीटा और वन अपॉन sin थीटा, तो वन अपॉन cos को क्या लिखोगे आप, sec थीटा प्लस क्या लिखोगे इसको, cosec थीटा। आपको पता है कि वन अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हो, sec थीटा लिख सकते हो, और वन अपॉन sin थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cosec थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, फॉर्मूले हैं अपने पास। तो अब sec थीटा प्लस cosec थीटा अपनों को चाहिए था क्या, cosec थीटा था, आगे पीछे योग संक्रिया में क्या कर सकते हैं अपन, आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब उन पदों को चेंज कर सकते हैं, तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, इसलिए यही आपका क्या था, आरएसएस। तो अपने को अपने पास सिद्ध हो गया कि cos थीटा प्लस sec थीटा, क्योंकि अपने को पूछा भी यही गया था, क्या पूछा गया था देख लीजिएगा एक बार वापस, साइन ब्रैकेट के अंदर देखा था वन प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा, वन ब्रैकेट के अंदर देखा फिर मल्टीप्लाई में वन प्लस cos थीटा के बराबर लाना था, cosec प्लस sec थीटा, तो अब उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि cosec प्लस sec थीटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 19। सवाल सारे आसान है, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 7.1 का क्लास 10th का सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा और sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा के बराबर sec थीटा, ये यहां मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे अपने को, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा के बराबर अपने को क्या लाना है, sec थीटा लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्या लिखेंगे, एल एस एस लेने पर एल एस एस क्या है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कैसे को स्क्वायर थीटा कैसा कैसे। अब अपने को थोड़ा सा यहां परिवर्तन करना पड़ेगा किसमें, टेन में, क्योंकि टेन के बराबर अपने को पता है कि टेन थीटा के बराबर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब एक काम करेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा इसको क्योंकि प्लस में तो आगे लिख देंगे, प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बल साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, नेक्स्ट पद में लिख लेंगे, बराबर यहां से कोस और इसमें भी कोस, तो कोस को अपन क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा। इन दोनों पद में से मैंने क्या किया, कोस थीटा को कॉमन निकाला, मतलब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहाँ पे क्यूब था, क्यूब में से मैंने कोस बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन को स्क्वायर थीटा। अब आपको पता ही है फिर क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है, एक होता है, तो इसकी जगह अपन कितना रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर एक, तो कोस थीटा एक का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर। कोस थीटा को मैंने क्या कर लिया, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लूंगा तो इसके बटे में कितना है, एक है, एक का भाग किस में देंगे कोस में, तो कोस ही आएगा, कोस का मल्टीप्लाई फिर कोस से किया तो क्या आएगा मेरा भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं आपको कि योग संक्रिया के अंदर, योग संक्रिया का मतलब प्लस वाले में आप दो प्लस तीन लिखते हो तो भी पांच ही आता है, और तीन प्लस दो लिखते हो तो भी कितना आता है मेरे भाई, पांच, मतलब कि दो और तीन को आगे पीछे, मतलब इसके अंदर दो आगे हैं, इसमें तीन पीछे, तो तीन आगे प्लस तीन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर में, इसलिए अपन इसमें कोस आगे लिखा साइन पीछे बराबर तो भी एक ही आएगा, इसलिए यहां पे लिखेंगे एक अपॉन कोस थीटा। और आपको पता है कि वन अपॉन कोस थीटा के बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेक थीटा। और यही क्या था आपका, आरएसएस लाना था आपने को, तो देख लीजिए सवाल एक बार हो, सवाल के अंदर क्या लाना था अपने को, साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा के बराबर सेक लाना था, तो अपने पास क्या आ गया है, सेक आ गया है। नेक्स्ट सवाल को सोल्व करते हैं, सवाल नंबर 20, 7.1 का सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 जो दे रखा है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा के बराबर वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा अपने को लेके आना है, तो क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो एलएसएस लेने पर एलएसएस क्या दे रखा अपने अपने को, टेन थीटा अपॉन बराबर टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा
अपॉन वन माइनस टेन थीटा। बराबर लिखेंगे, अपनों को पता है कि टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस में, तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट की जगह लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अंश में ऐसा कैसे सही साइन अपॉन कोस थीटा, हर में जो दे रखा है वन माइनस कोस अपॉन साइन दे रखा है, इसमें साइन को क्या करेंगे लघुतम ले लेंगे, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। ये कैसे आया देख लीजिएगा, साइन को मैंने लघुतम लिया, एक के अपॉन में एक ही है तो एक का भाग साइन के अंदर देंगे तो क्या आएगा साइन आएगा, साइन का गुणा फिर एक से करेंगे तो साइन, साइन का भाग फिर साइन में देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा किससे करेंगे कोस से करोगे तो फिर क्या आएगा कोस आएगा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पे भी ऐसे ही कोस को क्या करो लघुत्तम ले लो तो क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब भिन्न संख्याओं में अंश में भी भिन्न है हर में भी भिन्न है, तो आप क्या करोगे इसको अंश वाली भिन्न को ऐसा कैसा लिखने का, साइन अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई लगाओ और साइन थीटा उल्टा कर दीजिएगा नीचे वाली हर वाली भिन्न को, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, इसमें भी सेम टू सेम ऐसा कैसा ही करने का, कोस अपॉन साइन को ऐसा कैसा लिखना इनटू अंश में जो दे रखा है उसको क्या कर दो उल्टा कर दो, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर। साइन का मल्टीप्लाई साइन से करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां पे क्या करोगे माइनस का चिन्ह लगा के प्लस की जगह क्या लिखेंगे माइनस, कोस का कोस से गुणा करोगे तो क्या आएगा कोस पर ही आएगा और ये साइन थीटा। यहां पे जो आपको दे रखा है कोस माइनस साइन थीटा, यहां पे जो है क्या है साइन माइनस कोस थीटा, इस साइन का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो क्या आएगा साइन साइन स्क्वायर थीटा, कोस ऐसा कैसे साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस, यहां प्लस था मैंने क्या लिखा माइनस का, यहां माइनस करना पड़ेगा अपने को क्यों, क्योंकि यहां साइन माइनस कोस है यहां पे कोस माइनस साइन है, तो साइन माइनस कोस बनाने के लिए कोस माइनस साइन को क्या बनाएंगे साइन माइनस कोस बनाएंगे, मतलब कि यहां से अपने को क्या निकालना है माइनस कॉमन निकालना है, तो वो माइनस जो कॉमन निकाला वो प्लस से क्या होगा गुणा होगा, तो प्लस गुणा माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है माइनस, और इस कोस का इस कोस से गुणा होगा तो क्या आएगा कोस स्क्वायर आएगा। अब ये साइन ऐसा कैसे यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकालने से साइन माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। अब इस पद में और इस पद में क्या है सेम है साइन माइनस कोस थीटा, साइन माइनस कोस काई में है हर के अंदर है, तो वन अपॉन क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या बचा यहां पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहां पे भी क्या करेंगे साइन
साइन और कोस है बटे में, तो साइन कोस का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा साइन इंटू कोस थीटा, कोस का भाग कोस में दोगे तो क्या बचेगा साइन बचेगा, साइन का मल्टीप्लाई फिर साइन स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन का भाग साइन इंटू कोस के अंदर तो साइन कट जाएगा बचेगा क्या कोस, तो कोस का मल्टीप्लाई फिर किससे करना कोस स्क्वायर से करना तो क्या आएगा यहां पे कोस क्यूब थीटा अपॉन वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जो है अपने पास क्या है यहां पे फॉर्मूला का ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि ये पिछले सवालों के अंदर भी आया हुआ है और इस सवाल में वापस आ गया है, तो दो तीन सवाल के अंदर सारे जो इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड सवाल इंपोर्टेंट सवाल है इसलिए एक सवाल आ सकता है। ए माइनस बी मतलब ए कितना है साइन है, तो साइन माइनस कोस, बी की वैल्यू कितनी कोस है, फिर साइन स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि कोस स्क्वायर प्लस साइन और कोस थीटा अपॉन कितना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब अपॉन का मतलब हर में। नेक्स्ट इसी को इसके पीछे सोल्व कर लेते हैं। सवाल में दे रखा जो तक सोल्व किया वहां पे दे रखा था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम टू सेम ऐसा कैसा उतार रहा हूं मैं भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। यहां तक अपन देख लिया था, अब इसके बाद देखते हैं तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस क्या है कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर प्लस के बराबर क्या लिख सकते हैं एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिखेंगे एक लिखेंगे और साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया वन प्लस साइन थीटा और कोस थीटा बचा साइन थीटा कोस थीटा वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा का दोनों पद में अलग अलग भाग दे देते हैं साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, वन अपॉन इसको लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कोस थीटा प्लस ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा एक। कभी भी सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देने पर क्या आता है जीरो नहीं आता एक आता है, कितना आता है एक, तो इसलिए मैंने यहां पे दोनों काट के कितना लिखा है एक लिखा है। आपको पता है वन अपॉन साइन थीटा को लिखेंगे कोसेक थीटा, वन अपॉन कोस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, तो मेरे भाई इसके जगह क्या आएगा वन अपॉन इसके बराबर आएगा वन अपॉन साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं अपन कोसेक थीटा और वन अपॉन कोट थीटा के बराबर लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस वन, और यही अपने को सवाल के अंदर लाना था वन प्लस सेक थीटा और कोस थीटा ये कोसेक थीटा, तो फिर वही बात आ गई कि सेम है एक पहले लिख दो और सेक थीटा और कोस थीटा इसके बराबर ये लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता और करके भी लिख दो, तो यही आपका क्या है आरएसएस है। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है
इसको ध्यानपूर्वक यदि आप कर रहे हो तो आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा। और इन सवालों के अंदर एक सूत्र जो दे रखा है ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसी के आधार पर सवाल होगे। और हर चीज के अंदर अपने ध्यान रखना है, भिन्न संख्याएं जिसको सोल्व करना आती हैं वही इन सवालों को कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। जिसको नहीं आते तो गणितीय रूप में पहले भिन्न संख्याओं को सोल्व करना सीखे, फिर उसके आधार पर इनको सोल्व करें तो ही ये सोल्व होंगे, क्योंकि बटे में चल रहा है तो इनको आसानी से। यदि भिन्न संख्याओं को सोल्व सक्रिय नहीं है, भिन्न संख्याओं की सक्रिया यदि आपको नहीं आती है तो इन सवालों को आप नहीं कर सकते। और प्लस माइनस का भी इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लिखने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे स्क्वायर थीटा कैसे लिखना है, सारी चीजों का उसके आधार पर इस सवालों को सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा, टेन थीटा अपॉन वन माइनस को थीटा प्लस को थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा के बराबर वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, अपने को एसएस में लाना था तो अपनों ने आ दिया। यदि इस सवाल को उतारना है, उतारने के लिए आपको अरेस्ट को रुक रुक के पॉज कर दे और लिख ले, फिर नेक्स्ट स्टेप पॉज कर ले तो लिखते जाए, पहले पूरे सवाल को देख ले एक बार कि किस टाइप से किया गया है, उस समझ में आ जाता है तो फिर धीरे धीरे इसको उतार ले। नेक्स्ट सवाल जो है 7.1 का 20 के बाद 21 पर बहुत बड़ा सवाल है, इसको मैं वापस बोर्ड पे जो करके ही बता दूंगा आपको किस टाइप से होगा, तो थोड़ा सा आपको समझाने में इजी रहेगा, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत आएगी क्योंकि दो या तीन पेज में लिखा जाएगा और वो बोर्ड वाले पे मैं एक ही बोर्ड पे पूरा सवाल सोल्व करके समझा दूंगा आपको। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 बोल रहे हैं साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 के बराबर आपको लाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। सवाल दिखने में बहुत आपको लग रहा होगा कितना बड़ा होगा, बहुत इजी सवाल है, सोल्व करते हैं। एलएसएस लेने पर एलएसएस लेते हैं, एलएसएस कह रहा है कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा बराबर, इसको जो पिछले सवालों अपने की जो एक सवाल किया था साइन की पावर 6 थीटा के अंदर, तो इस ग्रीन को घात को क्या करेंगे, गुणे में बांट देंगे अपन, तो यहां पे लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का फिर होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो यहां पे जो है साइन की पावर 4 थीटा है और बी की वैल्यू जो दे रखी है आपको कॉस की पावर 4 थीटा, तो यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए का मतलब कितना आ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, फिर ए माइनस बी मतलब ए की वैल्यू साइन थीटा ए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर भी कितनी होगी 4 थीटा। ये सवाल आपके पिछले सवाल के जैसा आ गया कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब इसको अपन क्या करेंगे सोल्व करते हैं, इसको वापस लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस को स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर चार की घात को अपने गुणे में बांट दिया मतलब घातांक के नियम से, यहां पे भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा का फिर स्क्वायर। प्लस ये सेम टू सेम लिख रहा हूं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने, फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें ए की वैल्यू जो है साइन स्क्वायर में है
तो यहां पे लिखूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोई स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोई स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोई स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, चलने दो ऐसा कैसे इसको सेम टू सेम। इसका इसकी जगह कितना लिखेंगे अपन, एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोई स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक प्लस सॉरी गुणे में है, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोई स्क्वायर थीटा, फिर यहां पे लगेगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोई स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कैसे। यहां पे आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन माइनस अपने को क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कैसे चाहिए, तो इसको अपन ऐसा कैसे आप चलने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर कितना आ गया एक आ गया, इसको यहां से थोड़ा सा ऐसा कैसे लिख देंगे। अब अपने को आगे यहां पर आगे में सवाल के अंदर दे रखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, तो इसको अपन लिख देंगे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा सेम टू सेम। यहां पे क्या आ रहा है आपके साइन की पावर फोर ए साइन की साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस को स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है अपन क्या करेंगे, ये यहां तक आ गया सोल्व। देखो अब कैसे ये स्टेप कैसे लिखी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर एक और साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा लिख दिया। अब अपने को इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए सेम टू सेम मैंने यहां पे आगे लिख दिया एक गुणा। फिर जो बच रहा था साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस को स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा कैसे लिख दिया। अब इसमें टू साइन स्क्वायर थीटा और को स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, इसमें क्या करेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, जिससे आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और को स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो सवाल के अंदर दे रखा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा लाना है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो इसमें अपने का सोल्व हो जाएगा पूरा सवाल। साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा, यहां तक देख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए की वैल्यू कितनी साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी को स्क्वायर टू, ऐसा कैसे ए साइन स्क्वायर बी कितना साइन स्क्वायर, इसके बराबर में लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर
का स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाला पद है तो इसको लिख देंगे टू साइन स्क्वायर थीटा और को स्क्वायर थीटा बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर एक लिखेंगे, एक का स्क्वायर कितना होगा एक, तो एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और को स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या लाना था आपको आरएसएस लाना था। तो बहुत आसान है, थोड़ी सी यहां मिस्टेक हो गई थी, एक बार वापस इस सवाल को मैं समझा देता हूं आपको कि किस ढंग से इस सवाल को करेंगे। देख लीजिएगा सवाल दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर इसको यदि सोल्व करते तो बहुत आसान सवाल है। साइन की पावर एट थीटा माइनस कोस की पावर एट थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा आपको लेके आना है। तो आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे एलएचएस लेने पर एलएचएस ले लिया, एलएचएस दे रखा था आपको साइन की पावर एट थीटा माइनस कोस की पावर एट थीटा बराबर। अब इन घात वाले नियम घातांक के नियम से अपन इसके घात को क्या करेंगे तोड़ देंगे, तोड़ने पर क्या करेंगे साइन की पावर फोर थीटा की फिर क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे मतलब दो, तो दो का गुणा आठ से करोगे तो कितना है दो का गुणा चार से करोगे तो कितना आठ आ रहा है। फिर इसी टाइप से इसमें भी कोस की पावर फोर थीटा का होल स्क्वायर। अब जो है ए माइनस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ए के बराबर अपने लिया साइन की पावर फोर थीटा, बी के बराबर लिया कॉस की पावर फोर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं तो इसको यदि खोलेंगे अपन तो साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा ब्रैकेट के अंदर फिर आएगा साइन की पावर फोर थीटा माइनस कॉस की पावर फोर थीटा। अब फिर साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा को क्या करेंगे फिर घातों को तोड़ देंगे, दो को तोड़ेंगे तो दो या दो में आ जाएगा मतलब दो की पावर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर माइनस में दे रखा था इसको भी क्या करेंगे इसी टाइप से इसको भी घातों को तोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो फिर वापस वही फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पे देखेंगे ये सेम टू सेम मैंने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर दो और कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर फिर कितनी आ रही है दो ही आ रही है। फिर ए माइनस ए प्लस बी तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर प्लस में तो प्लस, या माइनस ए माइनस बी है तो ए की वैल्यू कितनी साइन स्क्वायर में है और बी की वैल्यू कितनी को स्क्वायर में, तो दोनों मैंने रख दिया एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा। अब अपने को जो सवाल के अंदर दे रखा है कि साइन स्क्वायर माइनस को स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा लाना है, तो अपने पास आ गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर, तो इसको भाई मैं कुछ भी परिवर्तन न करते हुए इसमें देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा के बराबर तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा, इसको मैंने आगे लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस को स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर मैंने पीछे लिख दिया। फिर इसके अंदर क्या करेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ने और एक बार क्या करेंगे वापस घटाने पर, जिससे आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि एक बार घटाना एक बार जोड़ना मतलब कि कोई आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा तो ये तो अपने को चाहिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब एक बार जोड़ लिया एक बार क्या कर लिया अपने घटा लिया टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा। अब जो ये फॉर्मूला जो बन रहा है आगे इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, तो ए की वैल्यू जो है साइन स्क्वायर में है तो इसका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, तो मेरे भाई यहां रखूंगा ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी को स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, एक का स्क्वायर फिर कितना रखूंगा एक और बचा हुआ कितना आपके पास माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा, तो माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा बच गया है, तो यही अपने को क्या लाना था आर एच एस लाना है, तो यही आपका इति सिद्धम मतलब यही सिद्ध हो जाएगा और लिख देना इति सिद्धम।